हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके यूट्यूब चैनल महावर एक्सपेरिमेंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक गलती हुई है जो आपको नहीं करनी है। वीडियो पूरी वॉच कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक बेहतरीन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो कि बैटरियों में यूज़ किया जाता है। अभी मैं पहले इस डब्बे को खोल लूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा फ्रेंड्स कि इसको कैसे यूज़ में लेना है, कैसे लगाना है, कैसे फिटिंग इसकी करनी है। और इस वीडियो में गलती हुई फ्रेंड्स, जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ये मैं इसको खोल लेता हूं जल्दी से। ये देखिए, इसका बिल मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया फ्रेंड्स इसको, और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो कितनी लंबी बननी है इसकी, निकली। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है हमारा BMS। इसकी पैकिंग देख सकते हैं आप, कितनी शानदार पैकिंग है। इसको खोलते हैं अपन। ये 3S 40 एम्पियर का BMS। 3S का मतलब है फ्रेंड्स कि हम 3 सेल लगा सकते हैं इसमें। 3 सेल की इसकी कैपेसिटी है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये है इसका प्लस, ये है इसका माइनस, और ये है इसका 4.2 वोल्ट, और यह इसका 8.4 वोल्ट, और यह इसका 12.6 वोल्ट, और ये OV नेगेटिव है फ्रेंड्स। ये जो 4.2, 12.6 और 8.4, ये सब लिखा हुआ फ्रेंड्स। ये पिक्स देखें, और ये सब इस पर लिख दिया मैंने। अब इसको अपन कनेक्शन करेंगे इसके। पहले मैं आपको दिखा दूँ अच्छी तरह, अब इसकी हम वो करेंगे, कनेक्शन करेंगे इसके। ये हमने एक तार लिया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे जितना सेल पे आ जाए। दो सेल लेंगे प्लस माइनस, और इस तार को इस पे लगाएंगे। पहले इसको थोड़ा रब कर लेते हैं तार से, ताकि इस पे सोल्डिंग अच्छी तरह से हो। ऐसे ही इस तरह हम सारे रब कर लेंगे इस पे, इस तार को लगाएंगे। अब इन बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव को हम इस तार की सहायता से जोड़ेंगे। ये इस पे पहले पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा, ताकि सोल्डिंग अच्छी तरह से हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जोड़ भी दिया इसे, ये माइनस ये प्लस। अब इसमें हम ये माइनस प्लस, ये जो प्लस है इसको माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे ताकि एक 12 वोल्ट की बैटरी बन जाए इसी तार की सहायता से। इसे भी हम जल्दी सोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया 12 वोल्ट का बैटरी का पैक पूरा। ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों माइनस प्लस अपन को 12 वोल्ट देंगे आउटपुट। ऐसे अपन को तीन और तीन, दो पैक और बनाने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का पैक, ये 12 वोल्ट का पैक, और ये 12 वोल्ट का पैक। हमें इसका ये माइनस, इसका ये प्लस, ऐसे हमें इन तीनों को रख के जोड़ना है। ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, वैसे ही इसको भी रखना है। इसमें भी ये प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। अब इनके आउटपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, इसमें फिक्स 12 वोल्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स। और इसमें ये माइनस प्लस रोप लगाई तो इसमें 9.69 ऐसे कुछ आ रहे हैं, और इसमें 11.84 वोल्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स। अब इससे पहले टेप से चिपका देते हैं, ताकि ये कहीं इधर उधर ना हिले। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पूरी आपको शॉर्ट मिलेगी फ्रेंड्स, आप चिंता मत करें, आप स्किप ना करें वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस मैंने एक साथ जोड़ दिए, और जो ये माइनस माइनस है मैंने इनको भी एक साथ जोड़ दिया। आपको भी इसी तरह जोड़ना है। अब हम आते हैं BMS पे, BMS के कनेक्शन पे। ये जो OV है ना, OV, ये OV है माइनस पॉइंट। हमारा जो बैटरी में
माइनस पॉइंट है ना वो इसमें लगेगा सीधा। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, जो भी है इसका मतलब है माइनस पॉइंट। ये देखिए इसमें मैंने एक कॉपर का वायर जोड़ लिया है। कॉपर का आप मोटा वायर ही लगाएं फ्रेंड, क्योंकि इसमें एम्पियर ज़्यादा है तो आपका तार शॉर्ट सर्किट होने से जल सकता है। आगे वीडियो में गलती हुई फ्रेंड्स, जो आप देखना और उसको समझना और वो गलती आप मत करना। ये देखो मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये वोल्टेज आ रहे हैं इसके 11.79 वोल्टेज, 12 वोल्ट के आसपास मतलब। अब अपन बीएमएस के कनेक्शन पर आते हैं। ये जो अपना ओवी और 12 वोल्ट है ये यहाँ पर माइनस तो ओवी है अपना, और जो 12 वोल्ट है वो अपना प्लस है। ये ओवी इसमें अपन कर देते हैं सोल्डिंग, और ये 12 वोल्ट इसमें कर देते हैं सोल्डिंग। इस पे बीएमएस पे सब प्रिंट है फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस जो गलती हुई मुझसे वो आप मत करना, और उस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये देखिए 12 वोल्ट प्लस। अब इसमें करेंगे अपन 4.2 और 8.4 वोल्ट की। जहाँ पे अपना ओवी है ना, ओवी का जो दूसरा सिरा है वहाँ पर 4.2 वोल्ट, और 4.2 के जो तीसरा सिरा है वहाँ पर 8.4 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको चेक करा देता हूँ, ताकि क्योंकि मेरी वीडियो कोई भी फेक नहीं आती फ्रेंड्स, मैं ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ एकदम। ये देखिए ये माइनस पे लगाया मैंने ओवी पे, तो ये आ रहा है 4 वोल्ट के आसपास, 4 वोल्ट के आसपास आ रहा है फ्रेंड्स। तो अपन इसका कनेक्शन 4.2 वोल्ट पे कर देते हैं। आप मल्टीमीटर से चेक करके लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स मुझसे क्या गलती हुई थी वो इधर आपको पता चल जाएगी। इस ये वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे मिस ना करें। और जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना दोहराएं। ये देखिए फ्रेंड्स इसके नीचे आपको कुछ लगाना है। ये देखिए ऐसे मेरे साथ स्पार्क हुआ है इसमें, क्योंकि नीचे जो सेल की कोटिंग होती है वो पिघल गई थी सोल्डिंग करने से, तो इनके तार शॉर्ट हो गए थे, इसलिए आपको नीचे कोई प्लास्टिक या फिर कोई कागज़ का टुकड़ा लगाना है जिससे कि ये शॉर्ट ना हो। अब अपन 8.4 वोल्ट जोड़ेंगे इधर। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने टेप लगाया है, फिर सोल्डिंग करी है। ये अपना पूरा बैटरी पैक तैयार हो गया है। ये 8.4 वोल्ट, और ये हमारा माइनस पॉइंट, ये सारे नेगेटिव ओवी में जाएंगे, और ये हमारा 4.2 वोल्ट। ये देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको, ये हमारा 4.2 वोल्ट है, और ये हमारा 12 वोल्ट है। सारे प्लस मिलके जहाँ पर जाएंगे वो प्लस 12 वोल्ट कहलाएगा। ये देखिए हमारे यहाँ से घूम के ओवी से घूम के 12 वोल्ट पे जाके रुकेगा। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा बैटरी पैक तैयार हो चुका है हमारा, और ये हमने नेगेटिव पॉजिटिव इसमें लगा दिया है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों है फ्रेंड्स। यहाँ से आप 12 वोल्ट इन करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से आप आउटपुट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इन बैटरी पैक का एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं। ये देखिए भाई साहब एक नंबर। आप इस पर टेप लपेट के अच्छी तरह इसको कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स सारे कनेक्शन कर दिए मैंने इसके, आपको भी इसी तरह से करने ताकि कोई भूल ना हो, नहीं तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है फ्रेंड्स। वीडियो फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।